कांग्रेस को, नहीं तो राउत मुखराम। ज्यादा वोट प्रभु दयाल सारस्वत का बोला है। कारण कारण क्या लगे प्रभु दादा को? कारण तो यह है कि साफ सुथरो है, कोई लाग कोनी, कोई दाग कोनी, लोगों में फिर थोड़ो स्थानीय है, वो भी फर्क है। प्रभु दादा की टक्कर किसी पार्टी से अग्रेस के, कांग्रेस बीजेपी में? कांग्रेस है सगे। राजेंद्र मुंड आवे तो राजेंद्र मुंड मतलब कांग्रेस की टिकट निकला ठू। नहीं यंग छोरो है, काम करता है, अच्छो बंदो है। मार तो भाई वरिंद्र को ही लागे। बेनीवाल जी की टक्कर किंग से अग्रेस के प्रभु दादा? प्रभु दादा के कारण लगे प्रभु दादा? इन पे तो निर्दलीय है। निर्दलीय हूँ लार मार्ग, निर्दलीय हूँ जीतो नहीं दादो। प्रभु दादो के विशेष बात लगी प्रभु दादा? के विशेष भरू याद प्रभु दादा जिंगे वोट बोले है जके जिंगे मीटिंग करे भीड़ घनी करे। मैं तो बारे बिरेंद्र जी नहीं माना प्रभु दादो। निर्दलीय में प्रभु दादा निर्दलीय में भाई वोट तो खास है प्रभु दादा ही काफी। और कांग्रेस में कोई नए चरण जो मौको मिले तो मान लेते राजेंद्र मुंडा जे तो वो ठीक है। छोरो मुखराम मारे पड़ोस में या पंचायत को ये ठीक है, बढ़िया है, वे आवे तो ठीक है, बढ़िया है, मैं तो बढ़िया ही है। नहीं हुआ की एंट्री हो भी सके, नहीं वीरेंद्र जी बनने वाली भी अच्छे हैं। वीरेंद्र जी की टक्कर किन सारे सके? वीरेंद्र जी प्रभु दादा सर मुखराम दत्रवा ठीक है, क्यों मारे गांव का नजदीक में लूण गंस गए बीच में रहने नाड़ार भी ठीक है। कोई बोले मार तो दादा का दादा सलाह है प्रभु दादा। हां राजेंद्र मुंड ने टिकट मिला वोट है, राजेंद्र मुंड मिल जे। राजेंद्र जी मुंड बढ़िया है, मुखराम जी बढ़िया है, दोनों चेहरा बढ़िया है, दोनों युवा है, काम करने वाला आदमी है, जमीन में जुड़ रहा है। कांग्रेस पार्टी उन युवाओं से मुखराम जी दत्रवाड़ा है, एक राजेंद्र जी मुंड है। तो मुखराम जी दत्रवाल भी युवा है, अटेगा है, लोकल निवास है, रात दिन जनता के बीच में रहने वाला आदमी है, वे भी बढ़िया है। राजेंद्र मुंड है, वे भी युवा है और जनता के बीच में रहने वाला आदमी है। प्रभु दादो के मामले प्रभु दादा की कांग्रेस पार्टी आगे टक्कर है, बीजेपी तो तीसरे नंबर है लोनगंज विधानसभा। प्रभु दयाल की कांग्रेस पार्टी आगे टक्कर है, अगर पार्टी कांग्रेस पार्टी नए चरण टिकट दे तो कांग्रेस पार्टी चुनाव जीते। कांग्रेस में देखो नई युवा पीढ़ी है, राजेंद्र जी मुंड ए आवे तो राजेंद्र जी मुंड निकला। प्रभु दयाल प्रभु दादो के कारण प्लस पॉइंट के लगे फोड़ लोगों को फोड़ा देखे साहब, हर आदमी को फोड़ा देखे, बिजली हूँ लाइट हूँ। प्रभु दादा के सागे टक्कर की रह सके कांग्रेस भाजपा भाई कांग्रेस की रस के टक्कर। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी का चेहरा कभी निश्चित को नहीं बने। भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा है भाई हिंदूवादी है, हिंदुओं ने तो सिर्फ नारा लगाना जय श्री राम, वोट देना है, नौकरी पैसों और की मतलब को नहीं। पिछली बार प्रत्याशी आगे दे अभी रेशा हमारे कॉमरेड तो नारो ही सड़क कर में यहाँ बीजेपी सुमित जी गोदारा अच्छो काम करवाने लग रहा है। हमारे गांव में 73 लाख को काम करवाए हुए, बडेरन पंचायत 1 करोड़ 10 लाख को काम आप गए, प्रधान कोटा हूँ विधायक कोटा हूँ करवाए हुए, बीखनेरा में भी 1 करोड़ 10 लाख को काम करवाए हुए, अच्छा सक्रिय है, अच्छा फिर है, हर घर में विदारे ठारा क्यों मुद्दो भी हर घर मेरा परिवार मेरा गाँव मेरा परिवार ये हर घर में आया, हर घर के अंदर दुख सुख में पूछना, हर कोई भी काम है आता रहे ठीक है। 50 ग्राम भर्ती में वोट को मिले नहीं अशोक गहलोत ने, समझ आएगी है गिफ्ट बांटे नहीं हाँ गिफ्ट हम वोट को नहीं रोका, लोग उजागर हो गया बहुत है। मोबाइल दिया मोबाइल नहीं मोबाइल दिया है बच्चा बच्चा ने खराब करने वास्ते बच्चा ने खराब करने वास्ते बिल्कुल वो में थारे वो के बोले वो टॉप बोले के वो देव आते बच्चा ने भी बच्चा फटाया लैपटॉप है वो देव आते तो बच्चा फटा आदमी हूँ मोबाइल दिए तो कोई अच्छा काम करिए भारत बिजी वाली है भाई। नमस्कार मैं असगर अली, अभी मैं लूणकंसर विधानसभा क्षेत्र के कांकड़वाला गांव में हाँ और थे देख सको कांकड़वाला गांव को मुख्य स्टैंड कह सका पाँ, अठे बहुत सारी चाय पानी की दुकान है और मुख्य सड़क है कांकड़वाला गांव की और इन्हें बहुत सारा प्रतिष्ठान है और इन्हें भी थे देख सको प्रतिष्ठान है कांकड़वाला गांव का और मारो ही प्रयास है कि लूणकंसर विधानसभा क्षेत्र में आपकी बार के राजनीतिक समीकरण रह सके, आपकी बार आगामी विधानसभा चुनाव में लूणकंसर में कांग्रेस बीजेपी आरएलपी निर्दलीय या किसी पार्टी विशेष या व्यक्ति विशेष को आपकी बार जोर रह सके, मैं चुनावी चर्चा करें यहाँ की आपकी बार पूर्ण भारी रह सके, गांव में मुख्य केसम से भी पर भी आप चर्चा करें यहाँ बहुत सारा ग्रामीण है युवा है बहु भी आप चर्चा करें यहाँ की आपकी बार के राजनीतिक समीकरण रह सके लूणकंसर विधानसभा क्षेत्र को और मारो लगातार वही प्रयास है कि मैं
लूणकणसर विधानसभा क्षेत्र के प्रत्येक गांव में जाने का प्रयास करा और बैठक जगह लोग है वहाँ चर्चा करा कि अब की बार के माहौल रह सके। क्या नाम है? कांकड़वाड़ा गांव में मुख्य के समस्या है बार पानी बिजली पहला है बिजली को नहीं, पानी को नहीं, एक आ टंकी बनना नहीं, बागानी तो गर्म पानी कौन पोग रहे हैं? केला के अब की बार लूणकणसर में किसी पार्टी को जोर रह सके, कांग्रेस, बीजेपी, आरएलपी या निर्दलीय को? कांग्रेस को। कांग्रेस में वीरेंद्र बनीवाल है या कोई नया चेहरा? तो नया चेहरा मुखराम जी दत्तरवाल। के विशेष बात लगी मुखराम जी में? मारे कन्नर है, गांव के लोग है, पड़ोसी गांव को है, अन्य लागे कि अगर भाई आवे तो क्षेत्र में विकास हो सके, हो सके। और प्रभु दादू आवे तो निर्दलीय में क्या लगे? प्रभु दादू आवे तो कांग्रेस बीजेपी टक्कर दे सके? कांग्रेस निर्दलीय टक्कर दे सके। अडमान से नाम है। मुख्यमंत्री कौन पसंद है? अशोक गहलोत, वसुंधरा राजे, सचिन पायलट या हनुमान बनीवाल? मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री तो है, अब सगला से नाराज है लोग, कोई काम तो खटके हुआ नहीं, चाहे बीजेपी को आज है चाहे कांग्रेस को आज है, बढ़िया आदमी है को नहीं, बढ़िया आदमी बिना के बताऊं। लूणकणसर में क्या लगे किसी पार्टी या व्यक्ति विशेष को जोर रह सके, कांग्रेस, बीजेपी, आरएलपी या निर्दलीय या कोई अन्य पार्टी? भाई लूणकणसर में अब फिलहाल में देखे मौके को जब तो ज्यादा वोट प्रभु दयाल सारस्वत का बोला है। कारण क्या लगे प्रभु दादा को? कारण तो ये है कि साफ सुथर है, कोई लाग को नहीं, कोई दाग को नहीं, लोग फिर है थोड़ा स्थानीय है, वो भी फर्क है, स्थानीय वो फर्क है। प्रभु दादा की टक्कर किसी पार्टी से अग्रे सके, कांग्रेस बीजेपी में? कांग्रेस है सके। कांग्रेस में किस उच्च हो तो कांग्रेस भारी रहे? राजेंद्र मुंड आवा तो राजेंद्र मुंड मतलब कांग्रेस की टिकट निकला ठू। और राज सिंह गोदारा, मुखराम दत्तरवाल, वीरेंद्र जी बनीवाल? नहीं कुछ नहीं। राजेंद्र मुंड को के विशेष बात लगी, प्लस पॉइंट? नहीं यंग छोरो है, काम करता है, अच्छो बंदो है, जना काम है तो लगेगा। आपकी बार क्षेत्र में फिर परिवर्तन की पूरी संभावना है? परिवर्तन हो यही कोई काम बन सी पुरानी आंदा देख लिया, आंदा देख रहे लारे वीरेंद्र ने देख रहे, सुमित ने देख रहे, गांव में एक खड़ी एक पीछे कोई काम को नहीं, लाइट नहीं, पानी नहीं, कोई व्यवस्था नहीं, कभी कोई गांव में आ गया लारे गया मरी लोगों की, कभी आ आदमी कोई कुछ न को उठाओ नहीं, वीरेंद्र नहीं उठाना चाहिए, सुमित नहीं उठाना चाहिए, आ तो बिल्कुल कोई नाम ही को बचो नहीं, एक एक लाख रुपया गाय मरी लोगों की, मतलब एक एक गाय अच्छी अच्छी गाय मरी है, हाँ दूध देने वाली गाय दस दस कोई 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 तरह को मतलब या पॉइंट को उठाए नहीं। पानी की समस्या तो हमेशा ही रहे, कदी है आदमी जाए कोई आंदोलन करना हो कि आँख ना कि नहीं कहना हो कि लाइट के बारे में कभी कहना हो कि जी बिजली ट्रांसपोर्ट बढ़ गयो तो जे महीने नया हो तो कोई अठे पुकारने वालों नहीं, छः महीने नया हो तो कोई पुकारने वालों नहीं, तो आ समस्या है आ लोग आगे। क्या लगे क्षेत्र में अब की बार किसी पार्टी या व्यक्ति विशेष को जोर रह सके, कांग्रेस, बीजेपी, आरएलपी, निर्दलीय या अन्य? मैं तो भाई वीरेंद्र को ही लागे। कौन लाग रहे? वीरेंद्र जी बनीवाल। बनीवाल जी क्या विशेष बात लगी, क्या लगे आपकी बार बाजी मार सके? कारण तो लारे कांग्रेस को राज हो, मड़ा मठा काम कर रहा। बेनीवाल जी की टक्कर किंग से अग्रे सके? प्रभु दादा। प्रभु दादा के कारण लगे प्रभु दादा? इनपे तो निर्दलीय है। निर्दलीय हूँ लार मार्ग, निर्दलीय हूँ जीतो नहीं। निर्दलीय हूँ के लगे दादू? अगर कोई पार्टी टिकट ले रहा हो तो भारी है या निर्दलीय? निर्दलीय दादू, निर्दलीय पार्टी टिकट ले दादा से तीसरे नंबर में। और जहाँ कांग्रेस में राजेंद्र मुंड है, राज सिंह गोदर है, मुखराम दत्तरवाल है, ए आवे तो राजेंद्र मुंड ठीक है। बगनाराम जी के लगे थारो के अनुमान आईडियो के लूणकणसर में किसी पार्टी अब की बार जोर रह सके? दादो प्रभु दादो के विशेष बात लगी प्रभु दादो के विशेष भरू है आज पार्टी आवे तो या निर्दलीय बारी है? निर्दलीय कांग्रेस में कौन आवे तो बारी है? ओ वीरेंद्र बनीवाल। हां ऋषपाल। ऋषपाल जी के थारो के अनुमान आईडियो के लूणकणसर ले तो घणो देखो जानू तो के हूं कोई नहीं, बाकी मैं तो कई पंचायत में होनी है, वीरेंद्र उनराज राज बोले हूं बता दियो भाई, मैं तो हूं ना हूं ही है वीरेंद्र उनराज है लोग
अभी वोट दे रही जिला किन्ने जे किन्ने जे भी घूमन था कोई नहीं। मैं तो खो कराना यार लाल ले रहा था उन्हें मन मिल गया है नाराज की जता है देखो वोट दे वीरेंद्र देश के लोग नाराज बोल रहे मैं तो अति होनी है। और तो कह लगे वीरेंद्र जी के अलावा और कांग्रेस में किस सोचा रोला गया सक्रिय सक्रिय तो टिकट किसने मिले कैठा पड़े अभी तो अतु जानकार तो हूँ कोई नहीं। जहाँ वीरेंद्र बेनीवाल है राजेंद्र मुंड है मुखराम दत्रवाल है राज सिंह गोदर है सुशीला सिमर है सिमर की पोस्ट घने ला गया अभी टिकट किसने दे सर सरकार देखो टिकट को किन तो सर राज सिंह बाकी को प्रभु कांग्रेस में तो अभी पहला किन था को अभी हगड़ा टिकट मांगे प्रभु दादो प्रभु दादो पार्टी है गा नहीं अरे मांगा वोट है तो आपको मांगा वोट मिली सी प्रभु दादो है थोड़ा टक्कर रेस का मामला प्रभु दादा जिंगे बोट बोल रहे है जगह जिंगे मीटिंग करे भीड़ घनी करे बोट तो खड़ा दे या नहीं दे बाकी भीड़ घनी होवे के नाम मगरा मगरा जी थारो के अनुमान है ड्यूके कौन भाई मैं तो बारे वीरेंद्र जी नहीं माना वीरेंद्र जी कारण मलार काम करेड है बढ़िया आदमी है पहला विधायक रेड है ये तो बनिया अच्छा मान प्रभु दादो निर्दलीय में प्रभु दादा ने दिल्ली में बोर्ड तो खास पर दादा ही काफी बोल रहे हैं सर मैं त्रिकोणीय मामलों रेस के कांग्रेस बीजेपी और निर्दलीय दे सके और कांग्रेस में कोई नया चरण जब मौको मिले तो बहुत सारा सक्रिय जहां थारे पूरे जिला प्रमुख सुशीला सिमर है राजेंद्र मुंड है मुखराम दत्रवाल अभी मान लेते राजेंद्र मुंड आ जाए तो वो ठीक है छोरो नहीं मुखराम दत्रवाल भी सक्रिय है थारे के लगे मुखराम मारे पड़ोस में या पंचायत को ये ठीक है बढ़िया है वे आवे तो ठीक है बढ़िया है तो और राजस्थान में मुख्यमंत्री कौन पसंद है था ना मुख्यमंत्री मान तो गहलोत ही पसंद है और हनुमान जी बेनीवाल पार्टी लागे राजस्थान में समीकरण चेंज कर सके आरएलपी भाई कर सके तो बढ़िया है और मैं तो बात जानकारी को नहीं साहब सुनील कुमार सुनील जी युवा हो तो क्या लगा लूनगन सर की राजनीति में कोई युवा की अब की बार एंट्री हो सके नहीं युवा की एंट्री हो भी सके नहीं वीरेंद्र जी बेनीवाल भी अच्छे हैं लगे वीरेंद्र जी अगर आवे तो जनता वापस नहीं आम को दे सके वीरेंद्र जी की टक्कर किंग सारे सके वीरेंद्र जी प्रभु दादा सर प्रभु दादा हम के विशेष बात है क्योंकि कोई पार्टियों भी को निर्दलीय है निर्दलीय है लोकल के और जनता के बीच में एनी टाइम हाजिर हुआ है और वीरेंद्र जी भी जनता के बीच में हाजिर है पूरे जिला प्रमुख सुशीला सिमरिया राजेंद्र मुंडिया मुखराम दत्रवाल या राज सिंह गोदारा आमो को आवे तो आमो तो मुखराम दत्रवाल ठीक है क्योंकि हमारे गाँव का नजदीक में लूण घंस गए बीच में रहने नडार भी ठीक है के विशेष बात लगी मुखराम दत्रवाल आवे तो कारण क्या लगे प्लस पॉइंट मार तो गांव पड़ोसी मारे एक पंचायत में पंचायत समिति के अंदर मारे वोट बीकने रहा सा भी हमारे गांव का रहे अभी वजह है मार तो मुख्यमंत्री कौन पसंद है था ना अशोक गहलोत है उनकी वो चिरंजीवी योजना के लिए हमें बहुत अच्छी लगी है योजना जो गरीबों के लिए ये स्वास्थ्य के लिए आम आदमी के पैसे न होने की वजह भी सब अस्पतालों में इलाज अच्छा हो रहा है गांव में अपने गांव में मुख्य क्या समस्या है कंकड़ वाला जो समाधान अब तक हुआ कौन रोनो चाहिए यहाँ तो समस्या ही समस्या है हर तरीके की समस्या है मोटा मोटी पानी की तो सबसे बड़ी समस्या है क्यों पानी के अंदर यहाँ पे टंकी बनी थी वो पिछले टाइम में वो घरों के अंदर पाइपलाइन नहीं पहुँची और सड़कों की दिक्कत है साफ सफाई में और भी गंदी और स्कूल के अंदर व्यवस्था अच्छी नहीं है और समस्या ये है गाँव के अंदर बच्चों के अंदर पढ़ाइयों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है सबसे बड़ी बात है पढ़ाई के लिए हर ग्रामीण बच्चा पढ़ने में असमर्थन हो रहा है बच्चों के पूरी सुविधा नहीं पहुंच रही है सिर्फ राजनीति पार्टियां पे होने की वजह से परेशानी हो रही है उपराम है प्रभु दादो के लगे प्रभु दादो टक्कर दे सके बात चला है के विशेष बात लगी प्रभु दादो जीती चौकीदार जीती कांग्रेस बीजेपी कौन मारी रही कांग्रेस में बहुत सारा चेहरा सक्रिय है कांग्रेस में जहाँ वीरेंद्र बेनीवाल है राजेंद्र मुंड है मुखराम दत्रवाल है राज सिंह गोदर है मुखराम तो ठीक है हो पहले मारे तो दादा का ज्यादा सलाह है प्रभु दादो हां राजेंद्र मुंड ने टिकट मिला वोट है राजेंद्र मुंड ने मिल जाए बाकी वीरेंद्र बांदर ने कोई वोट मिला नहीं एक तो जीएसएम हो बडेरन में ले गया अठे को एड ऑफिस हो गांव हो और एक हॉस्पिटल है ले जाके एरिया कांकड़ का माना किया है कोई काम को नहीं आ रही सारा काम आगा काम आ समझे थे बाद ने अठे वो हॉस्पिटल वहाँ तो बहुत बड़ी सुविधा दस गांव जुड़ जाए वहाँ थे बार लास्ट पूरा गांव जुड़ जाए और जीएसएम भट्ठे बनने का तो किए देखो फील्ड फायरिंग एरिया के ऊपर जाके जीएसएम बनाए अठे वह तो संभाल वह में पानी गल जाए और गल जाए 15 किलोमीटर है
15 किलोमीटर बने एरिया की बॉर्डर के ऊपर है, बट बोट मिले 8 बोट को मिलता नहीं, बस बात इतनी है। डेढ़ तो कर रहा है बीकना ना सुन रहा है, 8 है पूरी मोटी पंचायत। कृष्ण कृष्ण जी क्या लूनकन सर की राजनीति में कोई युवा की एंट्री हो सके या पुरानी में आए? युवा की होनी चाहिए एंट्री। कौन लग रहा है युवा में? राजेंद्र जी मुंड बढ़िया है, मुखराम जी बढ़िया है, दोनों चेहरा बढ़िया है भाई। आपके हिसाब में राजेंद्र मुंड जी, राजेंद्र मुंड या मुखराम दत्तवाल लगे के लगे, दोनों में क्या विशेष बात लगी? दोनों युवा है, काम करने वाला आदमी है, जमीन जुड़ रहा है, एक नयो चेहरा भी नयो है। वीरेंद्र जी ठीक है, पर काफी टाइम हो गया राजनीति के अंदर, तो सत्ता में रहे है तो लोग परिवर्तन भी चाहे है, कई खुश भी है तो कई परेशान भी है। कांग्रेस की टक्कर किंग सगरे से के? कांग्रेस की टक्कर तो प्रभु दादा के सगरे। प्रभु दादा के विशेष बात लगी? प्रभु दादा को ये है भी पिछले जगह चुनाव में भी जहाँ बांगो देखियो परफॉर्मेंस है जी की अच्छी, 24-25 हजार वोट ले गया, अब की बार जो जनसंपर्क है बहुत तेजी चलना आ रही है, वो भी एक कारण है, लोग चाहो है बन गई। गांव में मुख्य क्या समस्या है? मुख्य समस्या तो अभी तो किसानों का मेन तो बिजली वाली मानो थे, बिजली के हॉस्पिटल की सुविधा भी जिया अठे जो की मेन है जो की आगे बीखने रह दिया है एंड गामा, वो जो अगर बीच में अठा हुआ तो सारा ने फायदा होगा। मुख्यमंत्री कौन पसंद है, अशोक गहलोत, सचिन पायलट, वसुंधरा राजे? मुख्यमंत्री तो अशोक गहलोत, सब बढ़िया मानो थे। विष्णु कुमार ये लग रहे हो थारी साहब युवा हो तो कोई युवा की एंट्री हो सके या पुराने में आए? किस पार्टी? दोनों में, कांग्रेस बीजेपी निर्दलीय आरएलपी या कोई और? कांग्रेस पार्टी होने युवा आना चाहिए। कौन लगे कांग्रेस में? बहुत सारा चेहरा सकते हैं, बहुत सारा। मैं एक तो मुखराम जी दत्तवाल है, एक राजेंद्र जी मुंड है, तो मुखराम जी दत्तवाल भी युवा है, अडेगा है, लोकल निवास है, रात दिन जनता के बीच में रहने वाला आदमी है, वे भी बढ़िया है। राजेंद्र मुंड है, वे भी युवा है और जनता के बीच में रहने वाला आदमी है। प्रभु दादो के मामले? प्रभु दादा की कांग्रेस पार्टी आगे टक्कर है, बीजेपी तो तीसरे नंबर है लूनगंज विधानसभा, प्रभु दयाल की कांग्रेस पार्टी के आगे टक्कर है। अगर पार्टी कांग्रेस पार्टी नए चेहरा टिकट दे तो कांग्रेस पार्टी चुनाव जीते। मुख्यमंत्री कौन पसंद है? मुख्यमंत्री तो अभी जिस हिसाब काम है अभी हिसाब तो अशोक गहलोत बढ़िया है, लेकिन अगर पार्टी युवा ने मौको दे तो सचिन पायलट भी काफ़ी बढ़िया है। राजस्थान में लगे कांग्रेस रिपीट हो सी या भाजपा को चांस है? कांग्रेस को रिपीट को पूरा चांस हो, अब पिछले 2 महीनों जिसको लाइट की दिक्कत आ रही है किसानों के लिए, तो वो कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा नुकसान साबित हुई सी। किसानों की फसल है जिसकी लाइट की वजह पानी की वजह एकदम पकाव के ऊपर आने के बाद में जिसकी खराब हुई है, वो किसानों ने ये चीज़ को दर्द बहुत है। सुनील सुनील जी कंकड़वाला को? हाँ थारो के अनुमान आईडियो के लूनकन सर मापी बार कांग्रेस बीजेपी आरएलपी या निर्दलीय कौन भारी रह सके? कांग्रेस में देखो नई युवा पीढ़ी है, राजेंद्र जी मुंड ए आवा तो राजेंद्र जी मुंड निकला है। विशेष बात यह है कि नयो नेतो तो है नयोड़ा नहीं देख लिया आन तो घो टाइम दिया। वीरेंद्र जी बनीवाल? वीरेंद्र जी बनीवाल मुश्किल मेला मोरलाल है। बोंडलाल जी कंकड़वाल गाँव को? नहीं बुडेल को नजदीक है तो केला के लूनकन सर में किसी पार्टी बारी रह सके, कांग्रेस भाजपा आरएलपी या निर्दलीय? मार तो निर्दलीय लगे विचार करे। निर्दलीय में कौन? प्रभु दयाल। प्रभु दादो के कारण प्लस पॉइंट के लगे फोड़ लोगों को फोड़ा देखे साहब, हर आदमी को फोड़ा देखे बिजली हूँ लाइट हूँ। प्रभु दादा के सागे टक्कर की नहीं रह सके कांग्रेस भाजपा? भाई कांग्रेस की रह सके टक्कर। कांग्रेस में किस उचेर हुआ तो मुख्यमंत्री तब लगभग तो मानता सो की लगे। अब देखो मोहनलाल शर्मा कांकड़वाला। शर्मा जी के थारो अनुमान आईडियो के राजनीति लूनकन सर ने लूनकन सर की बात करें तो कांग्रेस भाजपा आरएलपी निर्दलीय या अन्य? देखो राष्ट्रीय पार्टी है मैं चुनाव लड़ रही है, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी का चेहरा कभी निश्चित को नहीं कभी किसे नहीं खड़ो कर सके। फिर भी मोटा मोटी एक आपने नजर में तो हुई है? नहीं अभी फिलहाल में फिर जगह वीरेंद्र बिनियाड़ है, सूरज जी गोदार है, या आपने सिस्टम में फिर है। अरे मारो पूछो मैं तो कॉमरेड हूँ विलियम करा माने तो दोनों पार्टियां ये सब थारे सिर्फ घोषणा पत्र ही है। आगे
दोनों पार्टी झूठ बोलने में दिक्कत आ रही है। युवा ए जिते ए बुढ़िया जिया भारतीय जनता पार्टी एक काम अच्छो करियो है के जिते भी बुढ़ा नहीं बार पार्टी पर शील लगा दी या लाल कृष्ण आडवाणी है, मुरली मनोहर जोशी है, जिते भी पुराना तहसील में भी इसे पुराना जगह भी चले गई आठ जगह छोड़ दी। अब नया कोई मौको है थारे साहब लोन कंसर में लागे कि अब तक इसो ने तो आम जन की समस्या सुना है या है आम जन की समस्या माने वोट मतलब 5 साल राज करना है किसी भी पार्टी में आपकी सुविधा खातर बे फिरे 2 महीना ए जगह युवा वर्ग है अन बरगना ना है 2 महीना बाद में आपको 5 साल राज कर सी कुतरिया सोलर प्लांट है जो किसान ने मिलना चाहिए जा लाइट की समस्या हट जा नहीं लगे ए जीती ती समस्या आंगो आगामी चुनाव में नुकसान कांग्रेस नु सी या भाजपा ने दोनों ही बेकार है। अब देवा किन्ने तो तीसरा मोर्चा हनुमान बनीवाल आरएलपी पार्टी आरएलपी विचारधारा में कौन है आपकी विचारधारा कौन भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा है भाई हिंदूवादी है हिंदुआ ने तो सिर्फ नारा लगाना जय श्री राम वोट देना है नौकरी पैसों और की मतलब को नहीं पिछली बार प्रत्याशी आगे दे अभी रेशा हमारे कॉमरेड तो नारो भी सड़क कर में किसान सड़क पर तो मैं सड़क पर रामदयाल जी युवा हो तो कहला के लोन कंसर की राजनीति में अब की बार को युवा की एंट्री हो सके या पुरानी में आई पुरानी में आई पुरानी में कौन लाग रहे कांग्रेस बीजेपी आरएलपी निर्दलीय बीजेपी सुमित जी गोदारा अच्छो काम करवाने लाग रहा है हमारे गांव में 73 लाख को काम करवाए हुए बडेरन पंचायत 1 करोड़ 10 लाख को काम आपके प्रधान कोटा हूँ विधायक कोटा हूँ करवाए हुए बीखनेरा में भी 1 करोड़ 10 लाख को काम करवाए हुए अच्छा सक्रिय है अच्छा फिर है हर घर में विदारे उठारा क्यों मुद्दों भी हर घर मेरा परिवार मेरा गाँव मेरा परिवार ये हर घर में आया हर घर के अंदर दुख सुख में पूछना हर कोई भी काम है आता रहे ठीक है तो मिलनसार है कदे भी फोन करो रात ने करो दिन में करो कदे भी करो एनी टाइम बात तो है अच्छी तरह जिसको समाधान हो वो करवावे सारे ठीक है मन ठीक लगे। कांग्रेस सरकार के अंदर जीएसएस में सारा लाइट कट है कोनी नया जीएसएस का उद्घाटन करके गया लाइट कट है कोनी लोग जनरेटर चलने ला रहे मुंह फलिया बढ़ गई डूंगरगढ़ देख लियो सरदार शहर देख लियो कट ही देख लियो लाइट है कोनी पूरा पानी कोनी मिलने लाग रही होनी सारी फ्लोपी है और की है जो ये करी हुआ काम चिरंजीवी को चिरंजीवी में कर लाग रहा है तो जांचा होने के बाद में एडमिट होने के बाद में देने लाग रहे हालांकि केंद्र सरकार को जिको हो ये योजना थी आयुष्मान कार्ड आयुष्मान भारत वो लागू करता बढ़िया रहे तो आज हमारे गांव रहा करा गया है ऑपरेशन करवा गया है तो गुजरात के अंदर करवा गया है तो बने 5 लाख रुपया लग गया है आयुष्मान भारत लागू हो तो बने कौन लागता रुपया 50 ग्राम भर्ती में वोट को मिले नहीं अशोक गहलोत ने समझ आ गए है गिफ्ट बांटे नहीं हाँ गिफ्ट हम वोट को नहीं रोका लोग उजागर हो गया बहुत है मोबाइल मोबाइल नहीं मोबाइल दिया है बच्चा बच्चा ने खराब करने वास्ते बच्चा ने खराब करने वास्ते बिल्कुल एल वो में थारे वो के बोले वो टॉप बोले के वो देव आते बच्चा ने भी बच्चा फटाया लैपटॉप है वो देव आते तो बच्चा फटा आदमी हूँ मोबाइल दिए तो वो कोई अच्छा काम करिए 50 ग्राम दाने वोट लेना चाहे 50 ग्राम हल्दी वोट लेना चाहे ये तो काम है कांग्रेस सरकार का है हाँ नाम भाई ओ ये तो मौज है बड़ा लाइट उठता है कौन मार तो के लगे कौन लाग रहे हो कांग्रेस बीजेपी आरएलपी या निर्दलीय कौन भारी रेस का लोन कंसर में भारी तो बीजेपी वाली है भाई थे देख सको अभी मैं कांकड़वाड़ा गांव हां लोन कंसर विधानसभा क्षेत्र का रेट बहुत सारा युवा और बुजुर्गों में चर्चा करी और कांकड़वाड़ा गांव को मुख्य स्टैंड है मुख्य सड़क है थे देख सको कांकड़वाड़ा लोन कंसर सड़क मार्ग है और रेट में लोगों में चर्चा करी सारा लोग आपका खुल विचार क्या कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी आरएलपी निर्दलीय सहित पार्टी व्यक्ति विशेष के बारे में लोग खुल चर्चा करी अब की बार किसी पार्टी या व्यक्ति विशेष को जोर रह सके साथ ही गांव में के मुख्य समस्या बांक पर भी ग्रामीण है बे खुल बोलिया और मारो लगातार वही प्रयास है कि मैं लूनकंसर विधानसभा क्षेत्र के प्रत्येक गांव में जाने को प्रयास करा।